मिट्टी से बना ये तन, मिट्टी के लिए लड़ा और अब मिट्टी हो गया। किसी सैनिक के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं होता। कल सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया था। आज इसी बरार स्क्वायर शमशान घाट से उनकी अस्थियां उठाई गई। हिंदू परंपरा का निर्वहन सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने किया। अस्थियों को मटके में भरकर, लाल कपड़े से लपेटकर, पवित्र गंगा में बहाकर पिता को मोक्ष दिलाने का कर्तव्य इन दोनों बेटियों के कंधों पर था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों को हरिद्वार लाया गया। सैन्य काफिले के साथ अस्थियां हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुंची। अस्थियों को विसर्जित करने से पहले सेना के बैंड ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। अस्थि विसर्जन का यह कार्यक्रम हरिद्वार के वीआईपी घाट पर हुआ था। वहीं पर हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना हुई। इसके बाद दोनों बेटियों ने अपने पिता की अस्थियां मां गंगा में प्रवाहित कर दी। अस्थि विसर्जन के साथ ही देश के महायोद्धा सीडीएस बिपिन रावत का एक जीवन चक्र पूरा हो गया। देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीर योद्धा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए उनकी बेटियां और परिवार के लोग भी वहां पहुंचे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी वहां पहुंचे। बहुत सपने थे उनके, बहुत सपने थे, बॉर्डर तक जाते थे, कोई स्पॉट उन्होंने नहीं छोड़ा था। अभी उनका ये जान के आपको ताजुब होगा कि रायवाला स्टेशन पर आने वाले थे, अभी कुछ दिनों बाद, कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाले थे। पूरी तैयारियाँ थी उनकी कुछ ही दिनों में, यानी मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर जीवित होते तो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो ऐसी कभी कभी पूछता था मैं, सपने उनके पूरे देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के सपने थे। चाक चौबंद कर ही रहे थे लगातार, क्या नहीं हुआ आप जानते हैं उनके जमाने में। 8 दिसंबर को हुए हादसे में सीडीएस रावत के अलावा 11 जवान और शहीद हुए थे। इन्हीं में से एक थे भारतीय वायुसेना के जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास। राणा प्रताप का पार्थिव शरीर आज भुवनेश्वर पहुंचा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के इस वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद राणा प्रताप का परिवार दुख से टूटा हुआ था। तिरंगे से लिपटा शव देखकर परिवार के आंसू नहीं संभल रहे थे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पिता और मां के आंसू तो जैसे सूख चुके थे। शहीद जवान के सम्मान में बड़ी संख्या में आम लोग भी श्रद्धांजलि देने आए थे। 8 दिसंबर को हुए हादसे ने सेना ही नहीं देश को गहरा सदमा दिया है।
और इसका असर धीमे धीमे ही जाएगा। हरिद्वार से मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।